लिए बुलाई बुलाई है, तो सभी हमारे पंचों सरपंच जो परेशान है इस वक्त, जितना भी हमारा पीआरआई के मेंबर हैं वो इस वक्त परेशानी में है कि जो डीडीसी के मेंबर्स ने जो हल्ला किया अपने सैलरी के लिए और अपने प्रोटोकॉल के लिए, तो सभी लोगों में ये मन में एक भ्रम सा आ गया है कि ये सारी पावरें अपने पास रखना चाहते हैं डीडीसी वाले, तो हमारे जो पंच और सरपंच और बीडीसी के जो चेयरमैन हैं वो सभी लोग इस परेशानी में थे। तो आज सभी हमने जहां सारी पूरी यूनियन जहां हमारे इकट्ठे हुए हैं लोग, तो गवर्नमेंट को जो आगाह करना चाहते हैं कि 40,000 के जो हमारे पंच और सरपंच के लगभग जो लोग हैं वो पीआरआई को जो मजबूत करने में उनका अहम योगदान है, वो जो होम मिनिस्टर हमारे इंडिया के हैं उन्होंने 2-3 बार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात की थी कि हमारे जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाए, और हमारे जो पंचों सरपंचों ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे, हम इलेक्शन करवाएंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने इलेक्शन का बहिष्कार किया था। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी डीडीसी को अहमियत देना चाहती हैं, वो ऐसा क्यों, वो जो पंचायत के मेंबर हैं हमारे, जो देहात में जो गांव में जो देश की तरक्की एकता और तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो सारी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूं कि जिस पंचायत लेवल के तक देख के इनको इम्पावर किया जाए, और पंचों और सरपंचों की जो हानरियन बहुत कम है उनको हानरियन बढ़ाया जाए ताकि सभी लोगों में ये विश्वास जागे कि पंचायती राज जम्मू कश्मीर में मजबूत होने वाला है।